आपने जो पुरानी किताबें होती है ना उनमें नया जिल्द लगता है, वो नया जिल्द लगा के जो बजट आपने पेश किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा। आपने जो सिलेंडर का कहा 450 रुपए का, तो 500 में तो हम दे ही रहे थे, 50 रुपए कम किया तो पूरे प्रदेश की जनता को आप देते। इंदिरा रसोई में हम 8 रुपए में खाना दे रहे थे, आपने जनवरी से आज तक इंदिरा रसोई का अनुदान नहीं दिया। हमने बजट में घोषणा की थी जयपुर मेट्रो फेज 2 की, और आपने भी यही घोषणा कर दी वापिस। ईआरसीपी की हमने 13,500 करोड़ की घोषणा की थी, तो आपने उसी घोषणा को टुकड़ों में करके शुरुआती जो बिंदु है ना 3.3 में, उसमें आपने इसकी घोषणा वापस कर दी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है? वित्त मंत्री जी बता दें चाहे मुख्यमंत्री जी बता दें, आपने आप बता दो। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन बजट के अंदर बिंदु 111 लिख लेना मुख्यमंत्री जी, बिंदु 111 में लिखा है ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। बजट की किताब में देख लेना सचेतक महोदय, अभी कह रहे थे ना बजट की किताब कहाँ है, आप देख लेना। हमने किसानों को 50,000 फॉर्म पाउंड की कही, आप 40,000 कर रहे हैं। हमने इंदिरा मातृत्व योजना के अंदर दूसरे बच्चे की डिलीवरी पे 6,000 हम देते थे, आपने उसको कोई जिक्र नहीं किया और पहली को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 कर दी। बजाओ ताली। ये बजट दिशाहीन, निराशाजनक, खोखले दावों वाला और प्रदेश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाने वाला बजट है। इस बजट की मैं और मेरे पूरे साथी, पूरा हमारा दल इसकी घोर निंदा करता है, और केंद्र से जो हमें कुछ नहीं मिला, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 25-25 सांसद दो बार दिए, 14 सांसद अब के दिए, बिहार से तो ज्यादा ही दिए, उसके बावजूद भी राजस्थान के जो हक अधिकार सब दिल्ली के अंदर गिरवी रख दिए, उसकी घोर निंदा करता हूं।